नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। कल यानी 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बीएसी की बैठक में 3 दिवसीय सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि विधानसभा की कार्यवाही 13 नवंबर से शुरू होगी। इसके बाद 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा। 15, 16 और 17 नवंबर को अवकाश होगा। उम्मीद की ये भी की जा रही है कि सदन में सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति अभी कुछ साफ नहीं है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना, और साथ ही आपको बताते चले कि साफ ये भी कर रहा कि कार्रवाई को लेकर विपक्ष कितना तैयार है और कितना संजीदा है। आपको बताते चलें कि कल से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और 3 दिनों का ये सत्र होगा। सत्र को लेकर सरकार भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि कल से 3 दिनों तक सत्र बुलाया गया है। होटल के अशोका गार्डन में कांग्रेस हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा सत्र और साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा होटल में चुनाव के हार की समीक्षा भी की गई है। और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। उदय भान ने कहा कि बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता है। उन्होंने ईवीएम को सेट करके 14 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही उदय भान ने खुले मंच से चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकी दी या उन पर कोई झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश की तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इसका आयोजन किया। चुनाव में हार की समीक्षा भी की जा रही है। आपको बताते चलें कि हार मिली जिसको लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान तमाम तरह के हार की जो समीक्षा है वो की गई है। आज उन सबको कोई हम चर्चा करेंगे तो जो भी सज्जन अपने विचार आगे और अदर्स इंडिपेंडेंस 3 से 4 गई 3 8 द लिस्ट ऑफ सीट्स ऑन विच बीजेपी हैज सेट द फ्रीक्वेंसी इज एज फॉलोस। जो ये लिस्ट है उन विधानसभाओं की जिस पर बीजेपी ने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, ये किस प्रकार है? कालका, घरौंदा, असंध, राई, खरखोदा, सफीदो, उचानागला, भादरा, दादरी, महेंद्रगढ़, होरल, बरथल, गोहाना और नरवा, ये 14 सीट हैं। आगे देखा मैं इसमें दीज आर दी सीट्स ऑन विच बीजेपी विल चीट विद हाई फ्रीक्वेंसी। आज उन सब बातों पे कोई हम चर्चा करेंगे तो जो भी सज्जन अपने विचार प्रचार रखना। राय से विधायक कृष्णा गहलावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कृष्णा गहलावत रविवार को जिला के गांव नसीरपुर बांगर में 15 बीपीएल परिवारों को उनके 100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री आवंटित करने के उपरांत संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उनके साथ में खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा भी मौके पर मौजूद थे। तो वहीं सोनीपत में एक भाई पर अपनी ही सगी बहन से रेप के आरोप लगे हैं।
मामला मुरथल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। और वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले कई महीनों से नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था, जिस वजह से वह गर्भवती हो गई थी, और साथ ही गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर जिला जेल में भेज दिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर के सेक्टर 18 में एक महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई है और महिला के बेटे डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला के इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत निर्मल सिंह हैं। सेक्टर 18 में जब उनकी बहू दोपहर बाद घर पहुंची तो उन्हें राजबाला को बेसुध हालत में पाया गया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस अधीक्षक राजीव देशवाल और CIA स्टाफ, थाना प्रभारी सहित डॉग स्क्वाड और अन्य टीमें मौके पर पहुंची। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई टीमें अपना काम कर रही हैं, सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी पुलिस को आपको बताते चलें कि पुलिस जो है वो लगातार आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। और वहीं महिला की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया था, जहां पर यह पूरा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां पर इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जांच लगातार की जा रही है। के बाद उन्हें ऊपर ले गए होंगे, ऊपर स्टोर है इनका, ऊपर रूम है लिफ्ट के साथ ही, वहाँ पर सारा सोना वगैरह इनका जो भी था वो सब कुछ साफ कर लिया इन्होंने और उनको गला घोट कर मार दिया। तो जिनके थे ये क्या लेडीज है कोई? हाँ लेडीज है जी, 55-60 साल की उम्र होगी इनकी। घर पे कोई नहीं था? घर पे वो अकेली थी जी उस टाइम। क्या नाम है लेडीज? राजबाला। कितने बजे की वारदात है ये? 1-2 बजे के बीच में हुई। मेरे ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब निर्मल सिंह साहब हैं, इनकी पंचकुला में पोस्टिंग है, उनका ये घर है। और हमें सूचना मिली तकरीबन 3:30 के करीब कि वहाँ जो है चप्पू से गोद कर और हत्या कर दी गई है। लेकिन मौके पर मैं पहुँचा तो वो गले में जो चुन्नी थी, जो दुपट्टा होता है उसके, उससे फंदा लगा के और तब जो है ये हत्या की गई है। इसके हम सारी हर एंगल से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, ओरल इन्वेस्टिगेशन से, सीसीटीवी कैमरा से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसकी कार्रवाई जारी है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही शीघ्र इसको हम वर्कआउट कर लें। खबर सोनीपत से है, जहां पर गांव बिंद्रौली के सरपंच पर पंचायती जमीन से पीपल और बरगद के पेड़ काटने का आरोप लगा है। सरपंच के खिलाफ बीडीपीओ राय ने कुंडली थाना में भी शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही बीडीपीओ सुरेंद्र आर्य ने पुलिस को बताया कि बिंद्रौली गांव की पंचायती जमीन से पीपल और बरगद के पेड़ काटने की जानकारी मिली थी। मामले की शिकायत सीएम विंडो पर भी की गई थी। सरपंच पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। बीडीपीओ सुरेंद्र आर्य ने शिकायत भी दर्ज की और जिस दौरान आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। पूरा मामला सोनीपत से है, पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है और सरपंच पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
चरखी दादरी पुलिस ने खेतों से एल्यूमिनियम के पाइप और नोजल चोरी करने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों जिले के किसानों की शिकायतें मिल रही थी कि उनके खेतों से एल्यूमिनियम पाइप और नोजल चोरी हो रहे हैं, जिस पर चरखी दादरी एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। काफी दिनों से किसान भाइयों का कृषि यंत्र खेतों से चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, तो हमारे माननीय पुलिस अध्यक्ष महोदय ने इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए थे। तो कल रात को, बीती रात को चिड़िया पुलिस चौकी इंचार्ज प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर विशाल अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, तो बलकरा की बनी में 5 लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले इनको। जब उनसे पूछताछ की, उनके पास एक गाड़ी भी थी, छोटा हाथी, तो उनसे जब पूछताछ की, छोटा हाथी गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें कुछ रस्सा, आरी, कटर, जो कृषि यंत्र को चोरी करने के लिए काम आते थे, वो इनसे बरामद हुए। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के पैतृक निवास स्थान पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, और इस दौरान मुंबई के पुणे में फूलेवाड़ा पहुंचकर सीएम ने दोनों महान समाज सुधारकों को नमन कर पुष्प अर्पित किया है। और सीएम सैनी ने कहा कि जिस जगह से महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिस विकट परिस्थितियों में शिक्षा की अलग जगाई, उस भूमि को मैं नमन करता हूं। मैं इस भूमि में आ पाया, ये मेरा सौभाग्य है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज उस पवित्र भूमि को नमन करने का मुझे अवसर मिला है कि जिस भूमि से महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा के द्वार खोले थे, ये वो पवित्र भूमि है। और जिन्होंने जिस समय के अंदर महिलाओं को शिक्षित करना ही अपराध माना जाता था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले ने अग्रणी भूमिमा में आकर के समाज के विरोध के बावजूद भी महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। बीजेपी जिलाध्यक्ष और विद्युत विभाग के जेई का अभद्र व्यवहार को लेकर ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पलवल में हरियाणा के खेल मंत्री ने विद्युत विभाग के नकारा अधिकारी पर संज्ञान लिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जनहित के कार्य को लेकर बिजली बोर्ड जेई को फोन किया था, जिसका ऑडियो जमकर हुआ वायरल, और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष से फोन पर अभद्र व्यवहार की ऑडियो वायरल हो रही है। कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया, आवाज सुना आ रही? शरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, बीजेपी जिलाध्यक्ष। बोलो, आप कौन बोल रहे हैं? पवन बोल रहा हूँ जी। जी हाँ जी, पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू भैया, पहले तो कैसे जी हैं? तो कैसे? ना बोलने की, कहा कह रहे हो ना बोलो, मतलब कैसे बोले करे तो नहीं होना, बताओ कैसे बोले करे। अरे बताओ तो सही, काम तो बताओ आप। काम तो जब बताऊ, पहले तुम बोलने की सीख ले पहले तो। क्या कहते हैं तुम, बेलगाम हैरे लगे जाता, मतलब वो ऐसा कहते हैं पलवल में जितने भी जेई हैं।
करावली में किसानों ने धरना दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से सरेआम ब्लैक हो भी रही है। किसान रातों को आकर लाइनों में खड़ा हो जाते हैं और लेकिन जब नंबर आता है तो उसे खाद नहीं मिलती है। किसानों ने उपमंडल कार्यालय पर ताला जड़ा है, अपना रोष व्यक्त किया है और समाचार लिखे जाने तक किसान धरने पर बैठे थे। खाद वास्ते बैठे हैं भाई, एसडीएम को ले आए हैं, होर तो सानू खाद कितने मिलती नहीं। एसडीएम दवाए चंगी गल है, होर तो सारे दो नंबर च बेची जाते, 18-18 सौ गट्टा, 16-16 सौ का गट्टा बेची जाते हैं भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ने भी कल बेचती, जो सरकारी वाले बेची दे प्राइवेट वाले बेचणगे जो दो नंबर च। असीं तां ही मंग करदे हां प्रशासन नूं, कहिंदे भी इहनां नूं फड़ फोड़ लो, कोई कर दिओ इहनां दा हल। आही गल है, कब तक धरना लगाओगे? धरना तो भाई मेरे हिसाब से ये भी जे सानू नारे मिली तो पी शर्मा जी किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? खाद के लिए बैठे हैं जी, खाद डीएपी के लिए जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है जी, खाद के लिए परेशानी आ रही है जी। ये अपने आदमियों को ही खाद दे देते हैं, अंदर ही लिस्ट तैयार कर देते हैं और अंदर ही आधार कार्ड लेके वहाँ पे चढ़ा देते हैं जी। जब हम जो जाते हैं उस दफा कह देते हैं खाद तो नहीं है, खाद तो नहीं है, खाद बट रही है जी। लेकिन जैसे अपने को जैसे लिस्टें आती है उसमें पता चलता है कि आज 500 गट्टा यहाँ पे आया हुआ है। सुखवीर सिंह किस लिए बैठे हैं? हमारे को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, इसीलिए धरने पे बैठे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसानों की जल्दी से जल्दी सुनी जाए, क्योंकि हमने जो रौनी कर रखी है उसका जो बात है वो टप रहा है। जो गेहूं की समय से बिजाई हो सके, समय से ही डीएपी दी है, जो काला बाजारी है कालावाली में सबसे ज्यादा है, उसको रोका जाए और सही तरीके से रे बटवाई जाए। यही एसडीएम साहब और सभी मुलाजमों को हम बेनती करते हैं। सारा जी कालावाली दे विच डीएपी आ रही है, उसकी काला बाजारी बहुत जोर से हो रही है। किसी भी इतने मान लो सरकारी दे विच आ रही है, टैक्स दे विच आ रही हैगी, उसके बच्चे जो कोई 1000 गट्टा आता तो उसके 500 गट्टा वंड के जोड़ा 500 रह जाता वह उसे हिस्से में दी जाती है, कुछ ब्लैक जेट पा देंगे। आही हाल जिन्हें इतने फर्टिलाइजर के है सीटा दिन दुकाना है इतने कोई भी रेस बरिया उन्हें आही हाल उन्हों का 500 गट्टा आ जाता उस 200 वंड देंगे 300 गट्टा यह ब्लैक के टपा दें जो हिस्सा। तो वहीं ठंड का मौसम शुरू हो गया है और जिसकी वजह से सड़कों पर धुंध छा जाती है। सुबह में धुंध के कारण लोगों को सड़कों पर सफर करते समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि हर साल धुंध के कारण बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बहुत से लोगों की जाने तक चली जाती है। सर्दी का आगाज हो चुका है, इसी बीच अगर बात करूं तो आज पहला दिन था और सड़कों पर जो है सुबह जैसे सूर्य उदय हुआ उससे पहले से ही जो है कोहरा सड़कों पर छा गया था। आज सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उसी बीच हर एक व्यक्ति को भी संभल कर चलना होगा क्योंकि हर साल जो है धुंध के कारण कितने हादसे होते हैं वो हम सभी को आज भली भांति पता है। क्योंकि लगातार धुंध जैसी शुरू होती है तो एक्सीडेंट के जो है खतरे बढ़ जाते हैं और सड़कों पर जो है लगातार गाड़ियों की भिड़ंत जो हो जाती है। इसी बीच अगर बात करूं तो हमें जो है सड़क पर सफर करते समय सावधानी से जो है चलना होगा, फॉग लाइट और सभी इंडिकेटर लगातार जो है सुचारू रूप से चलाने होंगे। चाहे स्कूल की गाड़ियां हैं, चाहे लोडिंग व्हीकल हैं, चाहे रोडवेज हैं, चाहे पर्सनल कार हैं, सभी को पूरी सावधानी से रोडों पर सफर करना होगा। आज देखा जाए तो सुबह से लगातार विजिबिलिटी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, उसी के साथ साथ हर एक व्यक्ति जो है स्पीड को काफी धीमी गति से जो है रोडों पर सफर करते भी नजर आए। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद।
खबर अतिया से है, जहां पर लाली रोड के दो किसानों ने अपने खेतों में पड़ी पराली का समाधान न होने के कारण पराली को आग लगा दी है, जिसके बाद में कृषि विभाग के कर्मचारियों और पॉल्यूशन बोर्ड के कर्मचारियों ने किसानों पर FIR दर्ज कर जुर्माना लगाया है और साथ ही उनकी जमीन को रेड एंट्री में डाल दिया है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा द्वारा FIR करने आए कर्मचारियों को वहीं खेत में बिठाया गया, उनसे सवाल जवाब किया गया। यूनियन के प्रधान कर्म सिंह का कहना है कि सरकार धान की खरीद पर काट और DSP की समस्या को नकार रही है, किसानों पर पर्चे डाल रही है, जिसका यूनियन विरोध करती है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस मामले पर SDM से मिलेंगे और आने वाले दिनों में पर्चे खारिज नहीं किए तो आंदोलन भी करेंगे। रतीए अपने लाली रोड ते एक खेत दे विच कल शाम नू भी एक अधिकारी सीगा कर्मचारी एदा जिहड़ा पराली नू अग लाण दे उपर किसानां दे उपर परचा पाण वास्ते जिहड़े हैगे इह करदे फिरदे, कल भी आए सी, अज सवेरे भी आए सी, अज शाम उस तों बाद फिर उस इक्को ही जगह ते तीसरी वार जिहड़े महकमे दे ने बंदे इह पहुंचे आ। तो असी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां वालों सारे साथी इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिहड़े हजे नहीं पहुंचे उन्होंने मैं अपील करदा हां वी रतीए वाले लाली रोड ते अपने किहड़ा राह है ये किस नाम तो बाग वाला रास्ता है, अशोक कंबोज दे मोटर दे कोले बाग वाला रास्ता है, उस रास्ते दे लास्ट ते आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं अपने है नहीं ना कोई भी अपने शहर के बीचों बीच JCB मशीन के द्वारा चल रहे खुदाई से PNG गैस पाइप लीक होने से भयंकर आग लग गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन लपटों से बगल के दुकानों में भी आग लग गई है, जिससे दुकान के साथ उसमें रखे सामान भी जलकर राख हो गई और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक जिला उपायुक्त ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को बुलाकर आग बुझाई है। पुलिस ने एक निजी स्कूल संचालक का अपहरण कर उसके साथ लूटपाट करने वाले मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं इस मामले में फरार और 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पकड़े गए सभी आरोपी युवा हैं और इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए SP पूजा वशिष्ठ ने बताया कि स्कूटी पर सवार होकर अपने घर आ रहे स्कूल संचालक को कुछ युवकों ने रास्ते में गाड़ी लगाकर अपहरण कर लिया था। लास्ट वर्ड में इतना ही, नमस्कार।